इन्फेक्शन के बारे में, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कंडीशन आती हैं, जिसके अंदर टीबी आता है, चिकन पॉक्स, मीजल, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा एंड वूपिंग कफ। सो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को। सो इनके अंदर कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, दैट्स इट। सो ये सारे जो डिजीज कंडीशन है वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के अंदर। इट मींस ये जितनी भी डिजीज कंडीशन है उनका जो ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू एंटर कर रहा है? आपकी रेस्पिरेशन के थ्रू, या तो इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, और जिसके अंदर आपका मेन जो कॉजेज है वो रहेगा ड्रॉपलेट या फिर एयरबोन ट्रांसमिशन। नाउ हम इनको अलग अलग तरीके से हम इनको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हम जंप करते हैं सेकंड डिजीज कंडीशन, दैट इज द चिकन पॉक्स। सो नेक्स्ट डिजीज कंडीशन का नाम है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जिसका अनदर नेम क्या है? वेरिसेला। सो गाइस, ये जो चिकन पॉक्स है ये मेनली किसमें देखने को मिलता है? अंडर द एज ऑफ 10 ईयर्स, मेनली सीन इन अंडर 10 ईयर ऑफ एज ग्रुप। इट मींस आप बोल सकते हो मोस्ट कॉमनली ये देखने को मिलता है चिल्ड्रन में, और अनकॉमन इन अडल्ट। इट मींस अडल्ट एज में ये बहुत ही कम पाया जाता है। नेक्स्ट चीज आती है इंक्यूबेशन पीरियड। व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि जो इसका वायरस है उसने कब एंट्री की, और उसके बीच का जो टाइम है और साइन एंड सिम्टम जो फर्स्ट शो हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। सो इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है इंक्यूबेशन पीरियड की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। सो 14 to 16 days का इंक्यूबेशन पीरियड रहता है चिकन पॉक्स का। इट मींस 14 to 16 days, इट मींस 14 to 16 days में उसको क्या क्या चीज़ें होंगी? एक तो वायरस एंटर भी करेगा और उसको फर्स्ट साइन एंड सिम्टम भी वहाँ पे शो होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ द चिकन पॉक्स। सो मेन जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है चिकन पॉक्स का, दैट इज द वेरिसेला जोस्टर वायरस। सो दिस इज द मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द चिकन पॉक्स। दैट्स वाई इसको हम और क्या बोलते हैं? वेरिसेला। और जो वायरस का नाम है दैट इज द वेरिसेला जोस्टर वायरस। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इट मींस जो चिकन पॉक्स है वो कैसे कैसे फैल सकता है, कैसे कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। सो इसमें सबसे पहले आता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सेकेंड थिंग इज द फोमाइट के थ्रू। लाइक फोमाइट से क्या होगा? इन्फेक्टेड पर्सन से उठ के वो दूसरे हेल्दी पर्सन में चला जाएगा। एंड थर्ड थिंग क्या आती है कि जो चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर वायरस है वो मेनली प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाता है। इट मींस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रहा है तो गाइज उस प्रेग्नेंट वीमेन को अबॉर्शन करवाना पड़ता है, बिकॉज उसके जो फीटस है उसका जो बच्चा है उसमें बहुत ज़्यादा एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस रहते हैं। सो आप क्या बोलोगे? क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, और इसकी वजह से वो फीटस को कॉज करता है। नेक्स्ट थिंग हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम आते हैं चिकन पॉक्स के अंदर।
साइन एंड सिम्टम फॉर द चिकन पॉक्स. सो सबसे पहले पेशेंट को शो होगा फीवर. सेकेंड थिंग होंगे रैशेज. जो रैशेज हैं वो मेनली ट्रंक, फेस एंड लिम्स के ऊपर शो होंगे. थर्ड थिंग इज द मैक्यूल. मैक्यूल जो कि क्या होंगे, फ्लैट ब्लैक स्पॉट की तरह वहां पे देखने को मिलेंगे. एंड ये जो मैक्यूल है ये विद इन 24 आवर्स ऑफ द चिकन पॉक्स वहां पे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड एट लास्ट जब ये मैक्यूल इनका जो वाटर होता है जब ये बाहर निकल जाता है, सो गाइज ये ड्राई होके एक स्कैब की फॉर्म बना देता है. इट मींस आप लिख सकते हो ड्राई टू स्कैब. लास्ट बट नॉट लीस्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. सो प्रिवेंशन और कंट्रोल में हम सबसे पहले देखेंगे कि वेरिसेला जोस्टर के लिए हम क्या चीज़ इंजेक्ट करते हैं. सो गाइस वेरिसेला जोस्टर के लिए हम एक इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट कर सकते हैं. प्रिवेंशन में हम एडमिनिस्टर्ड इम्यूनो ग्लोबिन्स. स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबिन्स आती हैं फॉर द वेरिसेला जोस्टर. सेकेंड थिंग है लोकल एंटीसेप्टिक जिसमें क्लोरहेक्सिडिन आता है. लोकल एंटीसेप्टिक जिसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, क्लोरहेक्सिडिन जो कि एक एंटीसेप्टिक कि बैक्टीरिया या वायरस को जो प्रिवेंट करता है उसको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक. थर्ड थिंग है अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ में हो गया है सो उसको हम क्या देंगे, एंटीबैक्टीरियल ड्रग देंगे. नेक्स्ट थिंग है हम उस पेशेंट को आइसोलेट कर देंगे. आइसोलेशन फॉर 5 to 7 days. इट मीन्स जब से उसको चिकन पॉक्स हुआ है तब से लेके 1 week तक हम उसको बिल्कुल आइसोलेशन रूम में रखेंगे. एंड लास्ट चीज़ हम यूज़ करेंगे जितने भी उसके आर्टिकल्स हैं उनको हम क्या रखेंगे, स्टराइल रखेंगे. इट मीन्स वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होने चाहिए. सो ये सारे थे चिकन पॉक्स से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम एंड प्रिवेंशन. सो आज हमने क्या पढ़ा, ट्यूब्रोक्लोसिस और चिकन पॉक्स के बारे में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.